जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राज ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं देश के एक प्रमुख संस्थान IIITM से M.Tech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं और बचपन से एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूं। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष की यह विद्या केवल वर्षों के अध्ययन के बाद ही साधी जा सकती है, जो कि किसी भी ढोंगी पाखंडी के बस की बात नहीं है। ये केवल आपको लूट सकते हैं, आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 19 फरवरी 2019 दिन मंगलवार, माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पूर्णिमा तिथि रात्रि 9:23 तक रहेगी और उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 3:24 से लेकर 4:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वे आपकी पढ़ाई में असफलता, नौकरी ना मिल पाना, प्रमोशन अटक जाना, ट्रांसफर बार बार हो जाना, व्यापार में भारी लॉसेस, गृहस्थ जीवन में अशांति या ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राज ऋषि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्याओं में फायदा महसूस होगा। मैं एक दिन में केवल 2 ही कुंडलियां देखता हूं, इसलिए असुविधा से बचने के लिए अपना अपॉइंटमेंट एडवांस में ही बुक करा लें। प्रिय भक्तगणों, यदि आपके पारिवारिक जीवन में कलेश की स्थिति बनी हुई है और आपका पारिवारिक जीवन दुखमय हो गया है, तो आज मैं सभी राशि के जातकों के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करके आपके घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा और एक सुख का वातावरण निर्मित होगा। यदि आप भी आज इस उपाय को जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने अड़ोसियों से, अपने पड़ोसियों से, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, ताकि हमारे सनातन हिंदू धर्म की ये ज्ञानवर्धक बातें हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सकें, जिससे कि आपका जीवन सौभाग्यशाली हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और आप और आपके मित्रगण ऐसे पोंगे पंडितों, ढोंगियों, पाखंडियों से सावधान रहें और उनसे बच सकें। क्या आप जानते हैं कि राशि या राशिफल देखने का सही तरीका क्या है? क्या आप यूरोपियन पैटर्न के हिसाब से अपना राशिफल देखते हैं, जिसके अनुसार सूर्य एक राशि में एक महीने तक वास करता है? उदाहरण के तौर पर सूर्य मकर संक्रांति से लेकर 13 फरवरी तक मकर राशि में वास करता है। तो क्या मकर राशि वाले सभी लोगों को इसी से अपना राशिफल देखना चाहिए? नहीं, यह सही तरीका नहीं है। अगर यह तरीका सही होता तो 133 देशों के जो लोग हैं वो गुरुजी के पास क्यों आते? क्यों वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सभी परेशानियों के लिए हिंदुस्तान की ओर ताकते? हर विदेशी व्यक्ति क्यों हर एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हिंदुस्तान की ओर खींचा चला जाता है? इसका कारण है हमारे ऋषि मुनियों का वैदिक ज्ञान। इसके अलावा जो लोग हैं वे अपना राशिफल चंद्र राशि के अनुसार भी देखते हैं,
जिसके अनुसार चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक वास करता है। जिन लोगों को अपना जन्म स्थान, जन्म समय या जन्म की तारीख नहीं मालूम, वे राशियों के नीचे आ रहे जो प्रथम अक्षर हैं, वे अपने प्रचलित नाम के प्रथम अक्षर से मिलाकर अपना राशिफल देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका आलस्य ही आपका शत्रु बन जाएगा और आप अपना पूरा दिन व्यर्थ कर सकते हैं। परंतु अगर स्टूडेंट्स अपने आलस को दूर करके आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आज वो काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं उन्हें प्रातःकाल उठकर व्यायाम करने की सलाह देता हूं। आज आप कॉन्सेप्ट्स आराम से समझने के कारण बड़ी आसानी से मुश्किल सवाल भी हल कर लेंगे, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। यदि छात्र आज विदेश जाने का मन बना रहे हैं तो आज वीजा के लिए अप्लाई करने से उनकी एप्लीकेशन बिना किसी परेशानी के जल्द ही पास हो जाएगी। आज आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक लकी चार्म भी साबित होंगे और आज आपकी उपस्थिति मात्र से ही आपके सगे संबंधियों का भाग्योदय हो जाएगा। आज यदि आप बिना जोड़ वाला सोने का छल्ला अपने हाथ में धारण करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज व्यर्थ की ही मानसिक चिंताएं आपको घेर लेंगी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा और आपका खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। परंतु केवल चिंता करने से कुछ हल नहीं होने वाला है। यदि आपको वास्तव में अपने अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है तो कर्म को अपना हथियार बनाएं और अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करें। आज ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत के अनुकूल आपको सफलता प्राप्त ना हो, परंतु निराश ना हो और कभी भी मेहनत करने से पीछे ना हटें। आज बैंक में कार्यरत लोगों के लिए और लेखकों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज उनके लिए इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। यदि आप अपने पिताजी या दादाजी के नाम पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो आज आपको विशेष धन प्राप्ति होगी। आज आप किसी भी हालत में अपने घर का सोना ना बेचें, इससे आपके घर में कंगाली छा जाएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज वर्क प्लेस पर आपके लिए दिन शुभ नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य आप करना चाहेंगे उसमें कोई ना कोई बाधा आएगी। आपके शेड्यूल प्रोजेक्ट्स भी डिले हो जाएंगे, जिससे कस्टमर्स नाराज हो सकते हैं। पर जल्दबाजी दिखाना सही नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को और अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को रिव्यू करें और अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने का प्रयास करें। आज आपको किसी शादी समारोह का निमंत्रण भी मिल सकता है या आपके दोस्त आज आपको पार्टी पर इनवाइट करेंगे। आपके पिताजी का भाग्य आज आपके कारण चमक उठेगा और उनको धन लाभ होगा। आज आप किसी से भी उधार लेने से बचें, अन्यथा आप उसको चुका नहीं पाएंगे और जीवन भर उस व्यक्ति के रेडी बने रहेंगे। आज पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाने से आपके व्यवसाय में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका आलस्य सबकी नजर में आ सकता है, जो आपको वर्क प्लेस पर आपके बॉस से और स्टूडेंट्स को उनके अध्यापकों या उनके माता पिता से डांट फटकार पड़वा सकता है। इसलिए आज आप प्रातःकाल उठकर फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लें, जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर सकें। व्यायाम करना और जॉगिंग पर जाना आपके लिए उत्तम होगा। आज आपके धैर्य रखने की क्षमता की सब जगह प्रशंसा होगी और वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मी भी आपको आदर के भाव से देखेंगे और अपनी टीम लीडर के रूप में स्वीकार करेंगे। आज आपको अपने बच्चों पर भी गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा और उनकी सफलता देखकर आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। आज आप प्रसाद ग्रहण करने से परहेज करें। आज आप अपने समाज के गरीब बच्चों के कल्याण हेतु कुछ कार्य करें, इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज शेयर बाजार में सावधानी पूर्वक किया हुआ आपका इन्वेस्टमेंट आपको भारी रिटर्न्स दे सकता है। पिछले कई दिनों से जो आप प्रयास कर रहे थे आज वो रंग लाएंगे और आपकी मेहनत के फलस्वरूप आप भारी मुनाफा कमाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी आज अपने बॉस से बोनस मिल सकता है।
आज आप जो भी काम करें उनके फलों के बारे में पहले से ना सोचें, अन्यथा आपको मनवांछित फल नहीं मिल पाएंगे जिससे आप निराश हो सकते हैं। आज यदि आप अभिमान करते हैं और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आपको ही अपमानित होना पड़ सकता है या आपका झगड़ा भी हो सकता है। अगर आपका किसी से भी झगड़ा हुआ आज तो वे लोग जीवन भर के लिए आपके शत्रु बन जाएंगे। आज प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्ग राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज यदि आप तीर्थ यात्रा का मन बना रहे हैं या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो आज आपकी तीर्थ यात्रा शुभ होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप पिछले कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति भी यदि जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो आज इस दिशा में उठाया हुआ उनका कोई भी कदम उनको शुभ फल प्रदान करेगा। जो भी लोग अपने परिवार के सदस्यों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आज इसी बात पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी तनातनी हो सकती है। आज आपके बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं और कोई मौसमी बीमारी उन्हें लग सकती है जिससे उनको स्कूल भी मिस करना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आए दिन आपके बच्चे बीमार ही रहते हैं और उनका स्वास्थ्य सुधर नहीं पा रहा है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राज ऋषि से ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके बच्चों का स्वास्थ्य सदा उत्तम रहेगा और आपके बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका परिश्रम और मेहनती स्वभाव ही आपकी पहचान बनाएगा। पशुपालन के उद्योग से जुड़े हुए लोगों को भी आज बड़ा मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपके विदेश जाने के भी प्रबल योग बन रहे हैं और इससे नौकरी पेशा व्यक्तियों को विशेष लाभ होगा और उनके करियर ग्रोथ के ऑप्शंस भी बढ़ेंगे। आज आपकी किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो सदैव आपके काम आएगा और जीवन भर आपको आगे बढ़ने के चांसेस प्रोवाइड करवाएगा। आज आपकी अपने भाइयों से अनबन हो सकती है और बेवजह के विवाद से आप दोनों के रिश्तों में खटास आ सकती है। आज किसी गरीब व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करके भोजन कराने से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज झूठी शान बगाड़ने से आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आज यदि आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है और यदि उसके घर में उसके परिवार में कलह चल रही है या दुख का माहौल बना हुआ है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है।
आज आपके घर में जो भी सुबह के वक्त प्रथम रोटी बने उसके चार टुकड़े कर लें। पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौवे को खिलाएं और चौथा टुकड़ा चौराहे पर जाकर रख दें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी सभी समस्याओं में फायदा महसूस करेंगे और आपके परिवार में सुख का माहौल बनेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज यदि कोर्ट में आपका किसी मुकदमे में फैसला आने वाला है तो आज ये फैसला आपके विरुद्ध आ सकता है, इसलिए आज आपका आगे की कार्रवाई की योजना बना लें। वकीलों की फीस भरने से आज आपका खर्चा भी अधिक होगा। आज कमर और घुटनों में दर्द के कारण आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे, इसलिए आज आप अत्यधिक काम ना करें क्योंकि काम की थकान से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आज आपके भाग्य का सितारा भी डूबा हुआ है और आज आपके बने बनाए काम भी अटक जाएंगे। नया घर या वाहन लेने के लिए भी आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। आज आप अपने माथे पर दही का तिलक अवश्य लगाएं। अपने गुरुओं और ब्राह्मणों की सेवा करने से आज आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसे बीतने वाला है। आज आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली आएगी और यदि पिछले कई दिनों से आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अनबन बनी हुई थी तो आज आप अपने लाइफ पार्टनर को मनाने में सफल हो जाएंगे। आज आपको अपने संबंधों की मजबूती के लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और उन्हें घुमाने फिराने के लिए बाहर लेकर जाना चाहिए। आज आपके अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने के सभी प्रयासों से आपसी प्रेम बढ़ेगा और आप दोनों के बीच का तालमेल भी बेटर होगा। आज आपकी बिजनेस ट्रिप्स भी सक्सेसफुल होंगी और आप अपनी कंपनी के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने में सक्सेसफुल होंगे, जिससे आपकी बॉस भी आपकी प्रशंसा करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को आज विशेष मुनाफा होगा और आज वे खूब धन कमाएंगे। आज रात्रि में आप तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने के पास रखें और प्रातः काल उठकर उस पानी को पीपल के जल में चढ़ा दें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको चार स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज अपने लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस कारण आपको डॉक्टरों और केमिस्टों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, जिसमें आपका समय और धन नष्ट होगा। आज आपके बच्चों को भी असफलता मिलेगी, जिससे उनका मनोबल कम हो सकता है, इसलिए आज आपको उनका हौसला अफजाई करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। सरकारी कर्मचारियों को उनके तबादले की खबर प्राप्त हो सकती है, जिसकी तैयारियां हेतु आपके काम बढ़ जाएंगे और आप शारीरिक थकान के शिकार हो सकते हैं। यदि आज आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर गौ दान करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा और आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक भी स्टार नहीं दूंगा। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सरकारी कर्मचारियों को आज उनके प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर खर्च करने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। यदि आपके बच्चे विदेश जाकर पढ़ने का मन बना रहे हैं तो आज आपके द्वारा इस दिशा में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए शुभ होगा। आज आपको अपने पितृ पक्ष से भी धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है, परंतु लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज अपना विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज रक्तचाप गिरने से आपको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अपने भाई के साथ मिलकर आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो उसमें आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे और आपको इस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। समाज सेवा में कार्यरत लोगों को भी आज सम्मान प्राप्त होगा। आज घर में मृगशाला का उपयोग करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको चार स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज समाज सेवकों को सरकार की ओर से अपने कार्यों के लिए कोई मान सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है। आज आपके गृहस्थ जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अपने लाइफ पार्टनर के साथ कलह होने से आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आज आपको जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ तोल मोल कर बातें करें और उनको उनकी पर्सनल स्पेस दें।
आज बेवजह शक करने से आप दोनों के संबंध टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में आए दिन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आपका अपने पार्टनर के साथ मन मुटाव ही बना रहता है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पूर्व मंदिर जाकर माथा अवश्य टेकें, इससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की खोज और तपस्या से मनुष्य की परेशानियों को दूर करने का अद्भुत तरीका यज्ञ एवं मंत्र विज्ञान खोजा। पूरी दुनिया में अपने कष्टों को दूर करने का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप अपने जीवन में पैसा, व्यापार, करियर, शादी, प्यार, ग्रहों का दोष, शत्रु या अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप हमारे शनि मंदिर में गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु मां रुक्मणी जी से अपने ग्रहों की परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं आकर या ऑनलाइन विशेष यज्ञ अनुष्ठान कराएं। गुरु मां रुक्मणी जी अब तक विभिन्न प्रकार के हजारों यज्ञ और अनुष्ठानों को देशी और विदेशी भक्तों के लिए अपने पवित्र हाथों से सफलतापूर्वक संपन्न कर चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें